जिस एज जवेरा खान योर इंग्लिश टीचर आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम सो टुडे वी आर स्टार्टिंग एट टॉपिक नंबर सेवन नाउन पोजेसिव फॉर्म सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक पेज नंबर थर्टी फोर लेट्स रिमेंबर यानी कि अब हम हमने याद करना है कि हमने जो लास्ट क्लास थी क्लास फाइव स्टूडेंट्स तो हमने पढ़ा था ना कि ओ यूज़ कहाँ करते हैं तो आज हमने वही करना है री राइट द फ्रेज इज़ बाई यूजिंग द पोस्ट्रॉफी इन द करेक्ट प्लेस अब हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में कि हमने अपोसट्रॉफी लगानी है जहाँ पे आ, लगाने की जगह यानी कि एक प्रॉपर करेक्ट प्लेस है सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ द फ्लैट ओन्ड बाय मिस्टर मोइन इसमें क्या होगा मिस्टर मोइंस फ्लैट ठीक है मिस्टर मोइन जो है इसमें इस आ, apostrophe लगेगी मिस्टर मोइन के साथ द दैथ द कैथेड्रल नेम आफ्टर सेंट पॉल St. Paul's cath Cathedral. In third sentence, the mineral resources of Pakistan. Pakistan's mineral resources. The fourth one is the patients of Dr. Richards. Dr. Richards' patient.

ये चीज़ याद होनी चाहिए कि मैंने आपको क्या कराया था तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छा बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपने जैसे हम बुक में एक्सरसाइज करते थे बिल्कुल वैसे ही बुक में करनी है सेंटेंसेस के आगे ये जो इसके आंसर्स हैं वो लिखिएगा ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर बी लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द पोजेसिव फ्रॉम ऑफ नाउंस इन इंटालसाइज इन ईच केस ओनरशिप रिलेशनशिप क्वालिटी पार्ट एंड डिस्क्रिप्शन अब हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि हमने सेंटेंस देख के बताना है कि भाई इसमें ओनरशिप का है यानी कि किसी की कोई चीज़ है रिलेशनशिप है यानी कि कोई फ्रेंड्स हैं बहन भाई के बारे में बात हो रही है तो हम सेंटेंस के आगे रिलेशनशिप लिखेंगे किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है तो क्वालिटी लिखेंगे कोई चीज़ पार्ट में है किसी चीज़ का हिस्सा है तो फिर हम पार्ट लिखेंगे और अगर किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन है तो हम पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ द लेफ्ट विंग स्टॉप्ड वर्किंग एट द टाइम ऑफ लैंडिंग रिलेशनशिप हैव यू सीन अदील्स न्यू मोबाइल फ़ोन इट लुक्स वेरी स्टाइलिश ओनरशिप इसमें अदील का फोन है ना तो अदील का फोन है यानी कि अदील जो है फोन का ओनर है तो इसलिए ये ओनरशिप है एवरी वन नोटिस द स्पीकर इज़ नर्वसनेस ऑन स्टेज अब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं थर्ड सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि जो स्पीकर था वो स्टेज पर बहुत ज़्यादा नर्वस था सब ने महसूस किया अरे न्यू रेंज ऑफ मैंस परफ्यूम वॉज लॉन्च रिसेंटली के आदमियों का जो है बहुत परफ्यूम जो है वो नया लॉन्च हुआ है तो ये क्वालिटी बता रहे हैं ना उसमें तो हम क्वालिटी लिखेंगे अमार्स बेस्ट फ्रेंड अफजल हैज़ गॉन टू यू के फॉर स्टडीज़ अम्मा का जो बेस्ट फ्रेंड है अफजल वो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गया है तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स का रिलेशन बता रहे हैं स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी अच्छा अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है आपकी बुक में आगे लाइंस पे लाइन डाली हुई है सेंटेंसेस के आगे तो आपने ये सारे के सारे वहाँ पर इसके आंसर्स लिखने हैं एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स राइट डाउन द डेट फर्स्ट ठीक है आपने अपनी बुक्स में डेट्स ज़रूर मैंशन करनी है अच्छा स्टूडेंट्स नाव मूविंग टू द नेक्स्ट लाइफ दिस इज़ योर होमवर्क डू द रेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ए एंड बी पेज नंबर थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव इन योर स्कूल बुक जो एक्सरसाइज ए और बी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी कि फाइव पार्ट्स मैंने आपको दोनों एक्सरसाइजेस के करा दिए हैं अब जो रिमेनिंग फाइव पार्ट्स हैं यू हैव टू डू बाय योर ओन आपने ये दोनों एक्सरसाइजिस के रिमेनिंग पार्ट्स ख़ुद करने हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप आपको ये एक्सरसाइजिस समझ आ गई होंगी अच्छा स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो अगले ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स बाद हम जूम पर लाइव सेशन अपना इंशाल्लाह करेंगे तो स्टूडेंट्स मैं गूगल क्लास रूम पर आपका जूम की लिंक डाल दूँगी आप आराम से कनेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेरी होगी हम वहाँ पर आपसे सॉल्व करेंगे बात करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स और अगर आप बाद में भी आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आप मुझसे नहीं पूछ पाए तो आपने गूगल क्लास रूम पर जाके जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख देना है मैं आपको उस चीज़ का गूगल क्लास रूम पर ही आंसर दे दूँगी तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होंगी तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी स्टे सेफ स्टे होम अल्लाह हाफिज़